हरिओम, नमो नमः। सबका स्वागत है इस कक्षा में, जिसका नाम है सुरवाणी मिलासा। यह 23वीं कक्षा है, 23rd क्लास। यह संस्कृत भाषा अध्ययन के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षा है। प्रार्थना करके प्रारंभ करेंगे। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं, भाष्यकारं पतञ्जलिं, पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। 1 मिनट दीजिए, बस 1 मिनट। आज का पाठ है नया पाठ। हमने सक्सेसफुली अपना शब्द रूपों की कक्षा पूर्त फेज पूरी कर ली है। हमने आकारांत पुंलिंग नपुंसकलिंग और इकारांत उकारांत पुंलिंग, इतना हमने सीख लिया। और अब हम पुनः धातुओं की ओर बढ़ रहे हैं, क्रिया रूपों की ओर बढ़ रहे हैं। होता ऐसा है कि हम जब नई भाषा सीखते हैं तो सारा खेल रूपों को लेकर होता है। ठीक है, तो मैंने इसको एक उद्देश्य पूर्वक ही ऐसा अरेंज किया है इन लेसन्स को कि एक टॉपिक शब्द रूपों से रिलेटेड, एक टॉपिक धातु रूपों से रिलेटेड, एक टॉपिक अन्य टॉपिक, ठीक है, कोई मतलब उपसर्ग हो, अव्यय हो, इस तरह का कोई अन्य विषय, शब्द धातु अन्य, शब्द धातु अन्य, इस प्रकार मैंने इसको इसीलिए सीक्वेंशियली फेज वाइज, एक-एक फेज में एक-एक टॉपिक, सेट ऑफ लेसन्स वन टॉपिक एक शब्द, फिर अल्टरनेट, फिर तुरंत मैं अन्य शब्द नहीं पढ़ाती, फिर मैं क्रिया रूप पढ़ाती, फिर उसके बाद फिर कोई अन्य टॉपिक, फिर कोई शब्द रूप। इस प्रकार मैंने इन लेसन को अरेंज किया है ताकि इसके दो उद्देश्य है। एक उद्देश्य ये है कि मोनोटोनी नहीं रहती है कि सारे शब्द रूप एक साथ पढ़ लिए भाई, फिर सारे क्रिया रूप एक साथ पढ़ लिए तो वो बहुत हैवी हो जाता है। दूसरा ये कि हमारा दिमाग वैरायटी चाहता है और उससे थोड़ा स्मरण शक्ति पर अच्छा असर, अच्छा प्रभाव होता है। ये नहीं कि आपको पूरा एक साथ पढ़ा दूंगी आप तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, पर ऑल्टरनेट मेथड्स, ऑल्टरनेट पैटर्न्स थोड़ा हमें ज्यादा इंटेलिजेंट बनाते हैं, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस प्रकार का अरेंज किया है। तो आज का टॉपिक आपको पता चल गया कि ये क्रिया रूपों से संबंधित है। अभी तक हमने शब्द रूपों का पढ़ा, तो अब हम क्रिया रूपों में चलते हैं। तो क्रिया रूपों में चलने से पहले आप लोगों को वो वाला 3x3 टेबल एक बार याद करना होगा। मैंने यहाँ स्लाइड में नहीं रखा है उसको, आप लोग क्या करेंगे उसको एक बार अच्छे से याद करेंगे। तो मैं बोलती हूँ, आप म्यूट में रहकर एक बार रिपीट कीजिए। ती तह अंति, ती थाह ध, आमी आवह आमह, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः। जब हमारा धातु रूप या फिर क्रिया रूप सामने आता है तो हमें क्विकली हम बदल लेते हैं अपना एक्स प्लस वाई,
आपको पता है कि क्रिया का जो मूल है उसे धातु कहते हैं, और उसमें जो प्रत्यय लगता है उसको पुरुष प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। और हम वर्तमान काल की बात कर रहे हैं, उसके भी तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। तो इतना बेसिक होने के बाद धातु गण भी होते हैं, 10 होते हैं पूरे धातु गण, और हम लोग अभी उसमें से 1, 4, 6, 10 पढ़ते हैं। तो आज हम प्रथम गण के बारे में पढ़ेंगे और प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। एक नया कॉन्सेप्ट है ये आत्मनेपदम। एक्चुअली आत्मनेपदम के लिए 1 घंटा क्या 5 मिनट का भी कोई लेसन नहीं पढ़ाते हैं लोग, और मैंने ये डिफरेंसेस आपको कई बार बताए हैं क्यों ये इतना लंबा लेसन आवश्यक है, ठीक है। तो पहले आत्मनेपद का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी एक कॉन्सेप्ट होता है, भाषा में दो चांसेस होते हैं। एक होता है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, यानी विश्वात्मक, जो सभी भाषाओं में हुआ करता है। एक होता है केवल उसी भाषा से संबंधित इडियोमैटिक, एक यूनिवर्सल, एक इडियोमैटिक। तो जो यूनिवर्सल अंश है उसको तो मतलब ये नहीं कि सभी भाषाओं में इस्तरी करके मतलब एकदम तगड़ा रहेगा, ऐसा नहीं, बहुत क्लियर रहेगा, ऐसा नहीं। अंश मात्र रह सकता है, एक आध भाषा में नहीं हो सकता है ऐसा। पर प्रायः जैसे वचन है, वचन कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, पर तीन वचन कॉन्सेप्ट संस्कृत के लिए, ठीक है। इस प्रकार का एक स्पेसिफिक, सॉरी, यूनिवर्सल एंड स्पेसिफिक, लैंग्वेज स्पेसिफिक, वो मैंने बोला इडियोमैटिक नहीं, इडियोमैटिक तो अर्थ से रिलेटेड होता है, वो नहीं, हम रूपों की बात कर रहे हैं। तो ये होता है पहला यूनिवर्सल, दूसरा लैंग्वेज स्पेसिफिक। तो भाषा से संबंधित केवल उसी भाषा में हमको मिलेगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम हिंदी में देखते हैं, आज भाग्यवश से हिंदी में ये कॉन्सेप्ट है। हाँ, तुमने खाना खाया, मैं पूछती हूँ। हाँ, मैंने खा लिया। हाँ, काम किया तुमने? हाँ, मैंने काम कर लिया। क्या तुम वहां होकर आ गए? हाँ, मैं वहां हो लिया, ठीक है। मैं होकर आ गया, मैंने खाना खाया, ठीक है। सुनो, हाँ, सुन लिया। सुना, सुन लिया। क्या तुमने पका लिया? मैंने किसी से प्रश्न किया, क्या तुमने खाना पका लिया? इससे आपको क्या पता चलता है? मैंने एक से प्रश्न किया, क्या तुमने खाना पकाया? फिर एक से प्रश्न किया मैंने, तुमने खाना पका लिया? आपको इन दोनों में क्या अंदर समझ में आता है? कोई भी अनम्यूट करके बता दो। पहला आपने क्या पूछा? क्या आपने आपने खाना? खाना पकाया? अच्छा, तो वो प्रश्न है कि क्या उन्होंने बना लिया खाना, माने पका लिया है, और दूसरा है पका लिया माने पास्ट में, मतलब हो गया वो काम, खत्म हो गया, इस तरह का मेरे को समझ। पास्ट प्रेजेंट से संबंधित नहीं है नहीं, पास्ट, वो क्रिया पूर्ण हो गई क्या, नहीं, पूर्णता ऐसा है की भी बात नहीं है। कि तुमसे हुआ ये, तुमने कर दिया ये भी नहीं, नहीं? नहीं, यूनिक ओके नहीं पता चलता है बगी। कॉन्सेप्ट है हिंदी में। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये 100% है, बस थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा, इसलिए मैंने सोचा। होमवर्क किया? हाँ, मैंने कर लिया माँ, होमवर्क कर लिया। एक प्रश्न है और दूसरा वो जवाब है उसका, कर लिया करके। किया, कर लिया में क्या अंतर है? मैंने किया है, मैंने होमवर्क किया, मैंने होमवर्क कर लिया। एक मैं बोल रही हूं, मतलब उत्तम पुरुष ऐसा आएगा, दूसरा हमने पुरुष से संबंधित नहीं, कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया ध्यान नहीं जाता है, बस इतनी सी बात है। वो है, आपको कॉन्सेप्ट पता है और इतना। आपके जैसा कोई सिखा भी नहीं रहा है ऐसा, अरे इतना डीप में सही बात है।
ये तो कि इंग्लिश में वे पढ़ चुके हैं, फिर भी ऐसा नहीं पता चलता हाँ, है। डिफरेंशिएट हमने किया ही नहीं, नहीं जवाब दे दिया किया पर डिफरेंशिएट नहीं किया। जी जी, बाकी नहीं, एकदम डीप में एकदम अच्छे से पढ़ाती है। थैंक यू जी। अभी मैं आपको इसका डिफरेंस बताती हूँ। खाना पकाया, मुझे अभी खाना है। तुमने खाना पकाया? हाँ, पकाया है, रखा है, खा लो। ठीक है, ये एक है। नेक्स्ट, खाना पका लिया, मतलब सबके लिए नहीं, आपके लिए। ये डिफरेंस समझ में आया आपको? अभी देखिए, अभी फिर से बताती हूँ। माँ बहुत भूख लगी, खाना पकाया। हाँ, पकाया, खा लो। दूसरा, हाँ कोई नहीं है घर पे, हम जाके पूछते, खाना पका लिया, खा लिया? तो हाँ पका लिया, खा लिया, हो गया है। कैसे भी, इच्छा नहीं थी, कोई नहीं थे घर पे, फिर भी हमने खाना खा। मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना है, बस 5 5 मिनट का ब्रेक है, सॉरी। हाँ ओके ओके भगनी, कोई बात नहीं, ऐसा चलता है। बिलेमिन काल नू होमवर्क कर रही हो। रिकॉर्डिंग थे इसे। चाल से आपने जहां पढ़िए। हाँ, आई एम बैक। हाँ, तो मैं बता रही थी कि खाना पका लिया। हाँ पका लिया, अपने लिए पका लिया, ठीक है। और कोई ये नहीं पूछते हैं कि गाना गा लिया, ऐसा कोई पूछता है क्या? गाना गा लिया, ऐसा नहीं पूछता कोई, है ना? हाँ, तुमने गाना गाया? तो हाँ मैंने गाना गाया। तो वो जो कर लेना होता है, स्पेसिफिकली क्या कर रहा है, कुछ और अंश हमें बता दिया, मतलब कुछ एक्स्ट्रा अंश वो हमें बता रहा है। ओके, उसको, उस पर हम ध्यान देते हैं। हाँ, सुन रहे हो ना? सुन लेना, ठीक है, सुन लेना। पर इसका क्या है, आपने एक बात सही कही है कि वो पास्ट टेंस का एक है, इसका प्रेजेंट टेंस नहीं है हिंदी में, ठीक है। जब बताते तो सुन लिया करो, इतना बोल सकते हैं, पर हाँ मैं सुन ले रहा हूं, ऐसा उपयोग हिंदी में नहीं है, पर संस्कृत में है, इसी अर्थ में, ठीक है। जैसे मैंने कर लिया, मैंने पा लिया, मैंने फल पा लिया, मतलब अपने लिए पा लिया, वो किसी और के लिए नहीं है, ठीक है। और मैंने खा लिया, खाना खा लिया, मतलब माँ ने नहीं खिलाया, मैंने खा लिया, ठीक है, अपने लिए मैंने खा लिया, ठीक है। इस प्रकार का जो एक ये होता है, वो पास्ट टेंस में हिंदी में आ रहा है, प्रेजेंट टेंस में नहीं है, और फ्यूचर टेंस में है। खा लूंगा, कर लूंगा, अरे होमवर्क कर लो बेटा, हाँ मैं कर लूंगा माँ, हाँ करूंगा माँ, दोनों में ये अंतर है कि मैं अपने लिए अपना होमवर्क कर लूंगा, ठीक है, इस प्रकार।
मैं इसके बारे में और क्लियरली बताऊंगी आपको, पर अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि एक क्रिया को करने के उद्देश्य में एक बहुत बड़ा योगदान रहता है संस्कृति। एज फार एज संस्कृति इज कंसर्न, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये चीज हिंदी में रहती है पूरी तरह। हिंदी में केवल मैं आपको हिंट दे सकती, केवल उसकी सूचना दे सकती हूँ। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना? क्लियर सुनाई दे रही है ना? हाँ आ रही है। आ रही है ना? ओके, थैंक यू। हाँ, तो ये डिस्टिंक्शन हिंदी में नहीं है पर संस्कृत में बहुत क्लियरली है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो कर्त अभिप्राय क्रिया फले, ये सूत्र का थोड़ा सा अंश है। ठीक है, पूरा सूत्र नहीं है, ये सूत्र का अंश है। कर्त अभिप्राय क्रिया फले, हम कोई क्रिया करते हैं तो उसका एक फल होता है। फल यानी आम, तो वो सेब, द्राक्षा, ये नहीं। फल यानी उसका जो नतीजा कहते हैं ना, फलितांश, जो उससे परिणाम निकलता है वो। तो हम दो तरह के कार्यों को देखते हैं, ये बहुत ही सूक्ष्म अंश है। हम दो तरह के कार्य देखते हैं, एक दूसरों के लिए करने वाला, एक अपने लिए करने वाला। दूसरों के लिए करने वाला कि बच्चा है ना, उसको भूख नहीं रहती है, उसको खाने की इच्छा नहीं रहती, बस माँ मार देगी है ना, माँ मारेगी, बहुत डांटेगी, खाना नहीं खाए तो इसलिए वो खाता है। तो वो खा लेना नहीं होता है, वो खाना होता है। ठीक है, मतलब हिंदी के दृष्टि से नहीं बोल रही, संस्कृत की दृष्टि से बोल रही। फिर पिता कुछ बोलता रहता है, बेटे को सुनना नहीं रहता है, पर क्या पिता डांटेंगे इसलिए सुनता रहता है। ठीक है, तो वो सुनना होता है, सुन लेना नहीं होता है। ठीक है, पर हिंदी में बोलते हैं ऐसा नहीं है, संस्कृत के दृष्टि से आप एक बार सोचकर देखिए, तब आपको समझ में आएगा। तो इस प्रकार जब खाना बनाने का जो फल है, यानी वो उस खाने को खाना, वो किसके उद्देश्य से है? पकाने वाले के उद्देश्य से, यानी जो पकाएगा वही खाएगा। तो पका लिया, मैंने अपने लिए खाना बना लिया। ठीक है, माँ कभी ऐसा नहीं बोलती, माँ सबके लिए खाना बनाती है, पर किसी दिन ऐसा हुआ है कि सब लोग बाहर चले गए, वो अकेली है तो अपने लिए खाना बना लेती है। कोई, सब घर में रहते तो कोई ये जाके नहीं पूछता माँ से या उस घर की गृहिणी से कि खाना बना लिया क्या, ये नहीं पूछता कोई, है ना? खाना बनाया ये पूछता है। तो ये पास्ट टेंस में बहुत क्लियर आइडिया है हिंदी में, आप इसी को थोड़ा एक्सटेंड करके प्रेजेंट टेंस में भी लागू करेंगे तो आपको ये संस्कृत वाला आइडिया आ जाएगा। तो जब एक कर्ता एक क्रिया को करता है और उसका जो फल है वो उसी कर्ता में रहता है, तो उसको आत्मनेपदा बोलता है, बोलते हैं। ठीक है, आत्मा यानी मैं, सेल्फ, सेल्फ को आत्मा बोलते हैं। मैं आत्मा यानी वो नहीं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप वाला आत्मा, वेदांती आत्मा नहीं। सामान्यतः आत्मा का अर्थ होता है मैं। ठीक है, तो आत्मनेपदा, तो मेरे लिए अगर मैं कुछ करता हूं उसका फल मेरे अंदर है, अपने लिए। जैसे मैं यानी अपना, अपना यानी मैं दूसरों के लिए भी बोल सकती हूँ, है ना? जैसे मेरे लिए यानी मैं केवल, फिर उत्तम उत्तम पुरुष ही एक ही रहेगा। जैसे मुझे प्रथम पुरुष में बोलना है तो फिर मुझे आवश्यकता पड़ेगी, फिर अपने लिए करना, कोई भी काम उसका उद्देश्य अपने में निहित हो तो उसको आत्मनिर्भर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको, इस व्यवस्था को, यानी ये जो अपने लिए करना, अपने लिए उसका क्रिया का फल अपने अंदर होना, कर्ता के अंदर होना, क्रिया का फल सबके लिए होना। ठीक है, तो ये जो दो टाइप के हैं उसके हिसाब से जो, अब आप, जाहिर है एक रूप जरूर रहेगा उसका, इसको एक्सप्रेस करने के लिए। ऐसे ही ये नहीं बनी है व्यवस्था, यानी एक शब्द अंश होगा जो इसको दिखाएगा, है ना? तो उस व्यवस्था को उपग्रह व्यवस्था बोलते हैं। ये व्याकरण का बहुत ही टेक्निकल वर्ड है, उपग्रह, उपग्रह व्यवस्था, पर बहुत सारे लोग उसको नहीं जानते हैं, यथेष्ट बोलते हैं, कोई पदी बोलता है, कोई पद व्यवस्था बोलता है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। ठीक है,
आपको पता चले कि कोई पद इसका पद क्या है, इसका पदी क्या है पूछते, वो पूछना ही गलत है, पर ठीक है, पीपल आर यूज टू इट। तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको दोनों बता दूं। जो शास्त्रीय दृष्टि से शब्द दिया गया है वो उपग्रह व्यवस्था, नॉर्मली लोग यूज करते हैं पद, आत्मनेपद, परस्मैपद इत्यादि, ठीक है। तो वो तीन होते हैं, एक्चुअली दो ही होते हैं। भगिनी, एक मिनट, उपग्रह माने वो आत्मनिपद परस्मैपद वही? दोनों का, हाँ दोनों को ओके, मिला के उस उसे उपग्रह बोलते हैं। हाँ, यानी ये जो व्यवस्था है उसके लिए, जैसे ये एक अर्थ हमने स्टडी किया, डिस्कस किया हमने, उसके अभी उसके रूप भी सीखेंगे। तो ये जो अर्थ उसको देने वाले रूप, ये दोनों होंगे उस व्यवस्था का एक नाम होता है ना, इस कॉन्सेप्ट का, कॉन्सेप्ट हाँ, का नाम उसके उपग्रह या फिर पद, ये होता है, ठीक है। पद ही बोलना गलत है। तो वो कितने पद है, तो तीन है, एक्चुअली दो ही है, एक इंक्लूसिव ऑफ बोथ ए बी, ए एंड बी। सो ए एंड बी इज नॉट सी, ओके, ए एंड बी, पर उसको अलग मानना पड़ता है, सी बनाना पड़ता है। तो ए बी एंड सी, सी इज इक्वल टू ए एंड बी, वो है वैसा परस्मैपदिनः, आत्मनेपदिनः, उभयपदिनः, ऑल क्रियापदास्, सॉरी सारे धातु जितने हैं वो सारे धातु थ्री टाइप्स के होते हैं। यानी ये जो करना कर लेना, ये कॉन्सेप्ट जो है सभी धातुओं में नहीं होता है। कुछ धातु करना मात्र ही बताते हैं, कुछ धातु कर लेना मात्र ही बोलते हैं, कुछ धातु दोनों बोलते हैं। मतलब कुछ धातुओं के दोनों रूप हो सकते हैं, कुछ धातुओं के सिर्फ आत्मनेपद रूप हो सकते हैं, यानी उसका जो फल है, क्रिया का उद्देश्य जो फल है वो कर्ता में ही निहित है, ऐसे कुछ क्रियाएं हैं एक्सक्लूसिव, कुछ क्रियाएं केवल परस्मैपदी है, उनका उद्देश्य केवल दूसरों के लिए करना, ऐसा होता है। और एक थर्ड ब्लॉक होता है जिसमें एक ही क्रिया दोनों रहती है, ठीक है। तो इसको हम देखिए, अभी फर्स्ट स्टेप में आपको सब समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं धीरे धीरे आपको बताती जाऊंगी, उनका नोट करते जाइए, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि क्यों आपको अधिक समय लगेगा, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है और हिंदी में पूरी नहीं है, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। तो क्या होता है आत्मनेपदी, कुछ नया होता है, आपने जो आपने परस्मैपदी नहीं बताया, आप डायरेक्टली आत्मनेपदी बता रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको कि जो तीतहंती हमने पढ़ा वो सब परस्मैपदी था, ठीक है, वो सब कुछ परस्मैपद वाला ब्लॉक में ही था, पर उस समय मैं आपको वो इंट्रोड्यूस नहीं करती, वो इस समय इंट्रोड्यूस करने वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे क्रिया रूपों को हमने बनाया था, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसीलिए मैंने कक्षा के प्रारंभ में आपको 3x3 टेबल गिनाया, ठीक है। वो जो 3x3 है यहाँ पर वो सब रहता है, जो कुछ परस्मैपदी में है वो सब, यानी इसके भी 3 पुरुष, इसके भी 3 वचन, ठीक है, इसके भी वर्तमान काल आदि, इसके भी गण आदि सब हो गए, ओके। तो एक प्रत्यय इसका होता है, जैसे ती होता है ना वैसा इसका कुछ प्रत्यय होता है, और वो उसके भी काल दर्शाता है, पुरुष दर्शाता है, वचन दर्शाता है, ठीक है। फिर उस धातु का गण व्यवस्था भी होता है, कुछ धातु प्रथम गण में होते हैं, कुछ धातु द्वितीय गण में, कुछ धातु दशम गण में, इत्यादि। फिर अगर गण इस पे लागू होते तो विकर्ण प्रत्यय भी लागू होते हैं। लेकिन एक खुशखबरी ये है कि परस्मैपदियों के लिए, आत्मनेपदियों के लिए एक ही गण व्यवस्था है, गण व्यवस्था भिन्न नहीं हो जाती। यानी आप ये मत सोचिए कि परस्मैपदियों के लिए जो 1, 4, 6, 10 में हमने आ या आ आया इत्यादि सीखे हैं वो सब इसमें भिन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सेम गण प्रत्यय इसके लिए भी होंगे, उतने ही 10 ही गण होंगे, वही गण प्रत्यय होंगे आत्मनेपदी धातुओं के लिए भी, ठीक है। तो इसमें उपसर्ग भी लग सकते हैं, ठीक है, हमने उपसर्ग का कॉन्सेप्ट सीखा, गच्छति उपगच्छति,
गच्छति जाता है, उपगच्छति पास जाता है, आगच्छति आता है। तो उसी टाइप का इसका जो प्रत्यय होने वाला है, प्रत्यय राइट साइड लगेगा। फिर से बता रही हूँ, प्रत्यय हमेशा धातु के राइट साइड। उपसर्ग कहाँ लगता है जी? धातु के लेफ्ट साइड। प्रायः उपसर्ग बहुत डिसेंटली धातु से लग जाते हैं, केवल संधियों की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको प्रत्यय से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। बस एक कृदंत प्रत्यय आने वाला है, बस एक कृदंत प्रत्यय जो उपसर्ग को देखकर थोड़ा चिढ़ मचाता है, ठीक है, थोड़ा उद्गम करता है, बस एक ही प्रत्यय है। बाकी कोई प्रत्यय उद्गम नहीं करता, उससे उससे उनको कुछ लेना देना भी नहीं है। तो राइट साइड वाले कार्य राइट साइड होते रहते हैं, लेफ्ट साइड वाले कार्य लेफ्ट साइड होते रहते हैं। इसलिए उपसर्ग आत्मनेपदियों के लिए भी होते हैं, ठीक है। तो मैं परस्मैपदी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको डुप्लीकेट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी काल पुरुष वचन होते हैं, गण व्यवस्था है, विकरण प्रत्यय है, उपसर्ग भी योजित होते हैं, और क्या होता है कि लिंग भेद नहीं है। मैंने कहा गच्छति, तो लड़का भी जा रहा है, लड़की भी जा रही है, तो दोनों के लिए गच्छति बोल सकती हूँ, ठीक है। और इसमें भी जो भी प्रत्यय होने वाला है उसमें भी कोई लिंग भेद नहीं होता है, ठीक है। और एक-एक गण में, जैसे भ्वादि गण है, प्रथम गण है, प्रथम गण में कुछ धातु परस्मैपदी होंगे, कुछ धातु आत्मनेपदी होंगे, कुछ धातु उभयपदी होंगे। अभी मैं धातु पाठ आपको दिखाई हूँ, एक बार उसको याद कर लीजिए, ठीक है। उसमें जो भू धातु है वो परस्मैपदी है, उसके इमीडिएटली बाद में जो ए धातु है वो आत्मनेपदी धातु है। तो हर ऐसा कोई धातु पाठ में परस्मैपदी आत्मनेपदियों को भिन्न रूप से नहीं देते हैं, पर उसके बगल में उसका जो डिटेल देते हैं उसे देखकर हम लोग जान लेते हैं कि भाई फलाना धातु आत्मनेपदी है, ठीक है। फिर एक और कॉन्सेप्ट है कि जो दशम गण है वो स्पेशल, वो स्पेशल इसीलिए है क्योंकि उसमें सारे धातु उभयपदी, यानी परस्मैपदी का जो तीतह अंति वाला रूप है, आत्मनेपदी का जो भी रूप होने वाला है, इस दशम गण के हर धातु के साथ वो दोनों रूप होने वाले हैं, ठीक है। दशम गण के सारे धातु उभयपदी, उभयपदी यानी क्या, जो परस्मैपदी भी होता है आत्मनेपदी भी होता है, यानी ती भी लेता है ते भी लेता है, इसका प्रत्यय ते इत्यादि होने वाला है, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो अब मैं एक प्रत्यय बताने से पहले, प्रत्यय तो बता दूं, देखिए मैंने आपको बताया इसके जो ते इते अंते ये बता दूंगी तो आज का लेसन खत्म, तीन शब्द बताकर लेसन क्लोज कर सकती हूँ। जैसे ती तह अंति वैसा ही ते इते अंते, ये बता दूंगी तो आज का लेसन खत्म हो जाएगा। पर इसके पीछे आइडिया क्या है भाई, इसको हम थोड़ा समझने की प्रयास करते हैं। यहां से एक आपको थोड़ा स्टोरी टाइप का मैं बताने वाली हूँ, ठीक है, क्या क्या हुआ। मेरे को ना स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करना, उनको थोड़ा ज्यादा ज्यादा ये करना ना बड़ा मजा आता है, थोड़ा इसलिए रेडी हो जाइए। तो हुआ ये कि लोगों ने पूछा कि भाई हम आज एक धातु पाठ देखते हैं, धातु पाठ से हमें पता चलता है कुछ आत्मनेपदी है कुछ परस्मैपदी है, ठीक है। एक नम धातु को ले लेते, नम धातु का अर्थ होता है नमस्कार, नमस्कार करना। 1 मिनट, तो नमति नमस्कार करता है। एक धातु है वंद धातु, वंद धातु क्या करता है, वो आत्मनेपदी है इसीलिए वंदते ऐसा फॉर्म लेता है, ठीक है। वंदते तो उसके फॉर्म कैसे बनेंगे, वंदति वंदता वंदंती ऐसा नहीं बनेगा उसका, वंदते वंदेते वंदंते। मतलब एक व्यक्ति नमस्कार करता है, दो व्यक्ति नमस्कार करते हैं, अनेक व्यक्ति नमस्कार करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा वंदे मातरम, तो वो वंदे क्या है, एक्चुअली वो है वंदामी, नमामी जो है ना, आमी आवहामः है ना, तो उसका आमी वाला रूप है इसमें
आत्मनेपद व्यवस्था में ए ऐसा आता है तो वंदे। तो क्या नमते जब बोलूंगी तो ये नमस्कार का फल जो है वो कर्ता के अंदर ना होकर दूसरों के अंदर है, और वंदते जब बोलते हैं तो उसका फल कर्ता के अंदर है। यानी जैसे मैं बोलूंगी कि बालः रामं नमति, यानी वो अपने पिता को खुश करने के लिए या अपने माँ को दिखाने के लिए या दूसरों के लिए नमस्कार कर रहा है। बस वहां पर राम जी बैठे हैं तो भाई वहां से ही वॉज जस्ट पासिंग, एंड वो अगर नमस्कार नहीं किया तो मुझे कुछ हो जाएगा, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, बोल के नमस्कार किया तो नमति। और उसका एग्जाम के लिए जा रहा है, बीच में मंदिर दिख गया तो माथा टेक रहा है कि भगवान मेरे को अच्छे मार्क्स आ जाए, तो वंदते, यानी उसका फल कर्ता के अंदर। ठीक है, ये जो वंदन क्रिया है उसका फल कर्ता के अंदर हो रहा है तो वो वंदते होगा, और उसका जो फल दूसरों के अंदर होगा तो वो नमति होगा। जैसे खाना पकाई है माँ सब खाएंगे तो वो पचती, ठीक है, और वो अपने लिए पकाएगी तो पचते, इस टाइप का होता है क्या। ठीक है, तो उसके लिए जैसे पच धातु है वो तो उभयपदी है, उसके दोनों रूप चलते हैं, पर वंदते केवल आत्मनेपदी है, नमति केवल परस्मैपदी है। तो क्या ऐसा है कि सारे धातुओं के जो भी परस्मैपदी में आके बैठ गए हैं, त्री ब्लॉक हमने बनाए हैं, जो फर्स्ट ब्लॉक में बैठ गए हैं वो सारे आत्मनेपदी हो ही नहीं सकते? मतलब ये कभी नहीं हो सकता कि उनका कोई कर्तृभिप्राय क्रियाफले वाला कॉन्सेप्ट उसमें कभी हो सके, और जो भी आत्मनेपदी में जाकर बैठे हैं उसका परस्मैपदी वाला इफेक्ट, यानी दूसरों के लिए उसका जो फल दूसरों में निष्ठ होना है वो जो है वो परस्मैपदियों में कभी भी पॉसिबल नहीं है, उभयपदी में दोनों पॉसिबल है। क्या ऐसा है? तो इसका समाधान है कि उद्देश्य तो है ऐसा ही, पर ऐसा भाषा में नहीं दिखता है। एक और उदाहरण आपको बताती हूँ, नंदति मोदते। नंदति यानी बहुत आनंदित हो रहा है, मोदते वो भी बहुत आनंदित हो रहा है। तो क्या नंदति जब बोलूंगी तो वो परस्मैपदी होने के कारण उसका जो फल है वो दूसरों में निष्ठ है, और मोदते बोलने के कारण वो आनंद का जो फल है वो कर्ता में निष्ठ है, ऐसा है क्या? ठीक है, मोदते यानी वो अपने ही उद्देश्य से खुश हो रहा है, नंदती यानी वो अन्यों की दृष्टि के लिए या उनके उन उसका फल, इसका आनंदित होने का फल अन्य भी प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा है क्या? तो बुलशिट, ऐसा नहीं है, हमको लोक में ऐसा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स इतने चकरा जाते हैं, बिलीव मी आई हैव गॉट सो मेनी क्वेश्चंस ऑन दीदी आत्मनेपदी क्या है, दीदी क्या डिफरेंस है दोनों में। तो ये इतना उनको बौखला देता है कि समझ में नहीं आता यार, कुछ कुछ के ती क्यों है, कुछ को ते क्यों है। तो इसका जो उद्दिष्टार्थ है, उद्दिष्टार्थ यानी ये क्यों बना, ये जो व्यवस्था है उसका मेन रीजन ये है कि कर्तृभिप्राय क्रिया फले वाले आत्मनेपदी होंगे, और उसके विरुद्ध वाले जिसका फल सभी में निष्ठ है कर्ता में नहीं वो परस्मै होंगे, उद्देश्य तो यही है। ठीक है, तो पर ऐसा क्यों हो गया कि कुछ ऐसे हो गए कुछ वैसे हो गए, ब्लॉक्स क्यों बन गए हैं? तो वंदते में से केवल आत्मनेपदित्व क्यों नहीं ध्वनित हो रहा है, नमति में से केवल परस्मैपदित्व क्यों नहीं ध्वनित हो रहा है? तो इसका लोगों ने कुछ कुछ समाधान करने के प्रयास किए हैं। मैंने कई पुस्तक इसके लिए पढ़े और मुझे अच्छी तरह याद है एक पुस्तक में मुझे इसका समाधान मिला जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी।
एक ईश्वर चंद्र करके एक लेखक है जिन्होंने अष्टाध्यायी पर दो खंडों में बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर हिंदी व्याख्यान किया है। इतना सिस्टमैटिक वर्क मैंने नहीं देखा, बहुत सिस्टमैटिक। उसका जो अपीयरेंस है, उसके जो पेजेस है, उसका जो प्रिंट है, उसका जो अरेंजमेंट है, इतना क्लियर, इतना सुंदर, और मेरे पास कोई शब्द नहीं। तो उस पुस्तक में कर्तृभिप्राये क्रिया फले वारे स्वरितज्ञितः कर्तृभिप्राये कर्तृभिप्राये क्रिया फले, ये पूरा सूत्र है। तो उसके नीचे वो देते हैं कि भाई क्यों ऐसी व्यवस्था है, और आज क्यों कुछ धातु ऐसे कुछ धातु वैसे हो गए हैं, पर उसके अर्थ में से वो उद्देश्य पूरी नहीं हो रही है, ऐसा क्यों हुआ। तो वो एक गेस करते हैं कि पहले के जमाने में सारे धातु, कौन सा जमाना है, कौन से काल की वो बात कर रहे हैं, मच बिफोर पाणिनि। अब पाणिनि तक जाने के लिए हमें बहुत, हमें बीसीई बिफोर कॉमन एरा में जाना पड़ता है। अब बिफोर कॉमन एरा यानी अभी 20 में है हम लोग, 21st सेंचुरी में, तो 21 सेंचुरीज बैक वी हैव टू गो एंड सम मोर सेंचुरीज बैक जाना पड़ता है, उनकी डेटिंग देखनी है, शायद 3rd सेंचुरी कुछ है उनका। तो वहां से भी पहले काल में, ठीक है, तो ये पाणिनि व्यवस्था में बाइफर्केशन हमको दिख रहा है। तो पहले ये बाइफर्केशन पाणिनि के टाइम तक हुआ था, तो उससे काफी पहले प्रायः ऐसा था। ये ईश्वर चंद्र का गेस्चर कंजेक्चर है, उनका गेस वर्क है, पर मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि सारे धातु पहले आत्मनेपदी हुआ करते, सारे धातु बाय डिफॉल्ट उभयपदी हुआ करते, उभयपदी यानी आत्मनेपदी एंड परस्मैपदी एट द सेम टाइम। जैसे कोई भी धातु आप ले लेंगे उसके दोनों रूप आपको दिखेंगे, जैसे नमति नमते, वंदति वंदते, ठीक है, और गच्छति गच्छते, इस प्रकार का हुआ करता था। पर काल क्रमेणा, अब भाषा है भाई, प्रवाह है, तो कई कई वर्षों के बाद ऐसा हुआ कि धीरे धीरे कुछ धातुओं के ओनली परस्मैपदी रूप प्रचलित होने लगे, और कुछ धातुओं के ओनली आत्मनेपदी रूप प्रसारित होने लगे, और वो ऐसे ही सेटल हो गए। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। ये कंजेक्चर मुझे इसलिए अच्छा लगा, ये गेस इसलिए मुझे सही लगा, क्योंकि मैंने इंग्लिश भाषा का जब उद्गम विकास इत्यादि पढ़ रही थी, तो उसमें एक वो बताते हैं कि पहले जमाने में इंग्लिश के जो स्पेलिंग्स हैं, आपने इंग्लिश के स्पेलिंग्स पर गौर किया कभी? इतने खराब, इतने अव्यवस्थित, इतने अर्थहीन, इतने दिशाहीन, इतने बेवकूफ के टाइप में होते हैं, एंड और भी आप बहुत सारे विशेषण इसमें लगा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। इंग्लिश वाले खुद इस बात पर अच्छे अच्छे किताब लिखे हैं, और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का तो सबसे फेमस है, इंग्लिश के स्पेलिंग्स पर उन्होंने एक अपना वक्तव्य, सॉरी, लेखन किया है, ठीक है। इतना खराब, इतना गंदा, इतना बहुत ही एकदम घिनौना व्यवस्था इंग्लिश में, ठीक है, क्योंकि हमारे बच्चे आज भी उसके शिकार है, दे आर विक्टिम्स ऑफ इंग्लिश, दैट्स वाई। क्योंकि बचपन में जब स्पेलिंग्स याद करने होते थे तो बच्चे इतना रोते हैं कि यार क्या है ये, हा? तो ये इंग्लिश के साथ क्यों हुआ, पता है? मैं बताती। तो उस किताब में लिखा था कि सारे शब्द पहले ओपन स्पेलिंग्स थे। ओपन स्पेलिंग यानी कोई भी कुछ भी स्पेलिंग लिख सकता है, जैसे किसी को कप लिखना है तो आज का कप का स्पेलिंग क्या है, CUP, और उसके का साउंड देने वाला एक और लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट में, के। तो अ जो साउंड आ रहा है कप,
उसके लिए हम क्या यूज करें, ए नहीं यूज करें, वी आर यूजिंग यू। तो यू है ऊ, ऊ साउंड आना चाहिए, पर हम देखते हैं अम्ब्रेला, कप, बट इत्यादि में सब जगह हमको बटर इत्यादि में हमको सब आ आ आ साउंड आ रहा है। ठीक है, तो कप का स्पेलिंग के ए पी भी हो सकता है, के ई पी भी हो सकता है, सी ई पी हो सकता है, सी ए पी हो सकता है। समझ रहे हैं, बिना सिर पैर का कितना सुंदर इंग्लिश है। ऐसा तो बाद में क्या हुआ भाई, तो हमारे पास जैसे शिप है, वो शिप का उदाहरण देते हैं, तो मैं भी वही बताऊंगी आपको, SHIP शिप, आज के दिन है ना, जो नाव है बड़ा वाला नाव, ठीक है, तो वो उसको पता है CIP शिप, पता है आपको CIP, CHIP, SIP, SHIP, इच्छा ही इच्छा लिखो यथेष्ट। बाद में क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेसेस आया, 1600s में प्रिंटिंग प्रेस आया, शेक्सपियर तक भी हम देखते हैं कि कुछ स्पेलिंग्स इधर उधर होते थे। जब प्रिंटिंग प्रेस आए तो अलग अलग जगह पर अलग अलग जो यूसेजेस है उनमें से उस प्रदेश के या फिर शेक्सपियरियन साउंड्स, जैसे शेक्सपियर का खुद जो हम आज स्पेलिंग यूज करते उसने यूज नहीं किया, पता है 20 स्पेलिंग्स है शेक्सपियर के, 20 स्पेलिंग्स शेक्सपियर खुद लिखता था, पर आज जो हम शेक्सपियर के लिए यूज करते हैं वो स्पेलिंग उसने कभी नहीं लिखा था। ठीक है, ऐसी बहुत सारी बातें मैं आपको बता सकती हूँ, पूरी कक्षा समाप्त कर सकती हूँ, पर हमें और भी पढ़ना है, इसलिए मैं आपको बस हिंट देकर आगे बढ़ती हूँ कि जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो देर वॉज अ नेसेसिटी दैट एवरीथिंग शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड। भाई एक प्रिंटिंग प्रेस वाला SIP लिख रहा है, एक प्रिंटिंग प्रेस वाला CIP लिख रहा है, ये क्या है, फिर लोगों को कैसे समझ में आएगा। प्रिंटिंग प्रेस वालों ने मिलकर एक स्टैंडर्डाइजेशन किया कि जहां जो स्पेलिंग उनको सही लगा उसको फटाक से नॉर्म कर दिया। तो कैरेक्टर है, कैरेक्टर स्टार्ट्स विद द साउंड का, बट इट हैज CH, फोटो हैज द साउंड फा बट इट हैज PH, ओके, टुगेदर हैज द दर हैज द बट इट हैज TH। तो ये सारा जो ओवरलैपिंग है, ये सारा जो कचरा है, ये उसके कारण हुआ। तो उतना गंदा इधर नहीं हुआ था, ये गेस करते हैं कि प्राय ऐसा होगा कि हमेशा सारे धातु ऐसे हुए होंगे, उसके बाद कुछ इसमें सेटल हो गए, कुछ उसमें सेटल हो गए भाषा के प्रवाहता के कारण, और कुछ उभयपदी रह गए। पाणिनि के टाइम में जो धातु उनको जैसा दिखा उन्होंने बस उसको स्ट्रिक्टली रूल्स में एकदम फ्रेम कर दिया, एकदम फ्रेम कर दिया कि भाई अब से ये धातु जैसे आप वंद लेंगे आपको हमेशा ये ते के साथ मिलेगा, आप जब भी नम लेंगे आपको ती के साथ मिलेगा। ठीक है, बहुत सुंदर थियोरी है। मेरे से किसी ने पूछा कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस, तो मैंने हाउ विल यू एक्सप्लेन द आत्मनेपदा एंड परस्मैपदा टू स्टूडेंट्स, आई सेड दिस थ्योरी, ये बहुत सुंदर थ्योरी है। तो एक स्टेप आगे गया, उन्होंने पूछा भाई देन ब्रिंग मी सम एग्जांपल्स, ले आइए रामायण से, महाभारत से, प्री पाणिनीय निरास से, बहुत सारा वांग्मय हमारा प्री पाणिनीयन भी है, जैसे वेद में से हमको मिलेगा, उपनिषद में से मिलेगा, ले आओ धातु। तो मैंने कहा ऐसा संभव नहीं है, मुझे पता था। तो वो बोला कि देन हाउ डू यू पुट अप दिस थ्योरी, तो फिर मैंने जाके किसी बहुत बड़े विद्वान हैं व्याकरण के, उनसे जाके पूछा कि जी बताइए मुझे ऐसा किसी ने मुझसे कहा है, मैं संस्कृत के पक्ष में हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि ये उपग्रह व्यवस्था है क्यों, उसका अप्लीकेशन क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है। तो उन्होंने बहुत सुंदर एक वैयाकरणीय समाधान दिया जो मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगता है, वैयाकरणास आर द बेस्ट इन ऑल द शास्त्रास, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूँ। वो कभी एक पक्ष को लेकर उसी में सब घुसाने का प्रयास नहीं करते, व्याकरण गिव्स मी एन ओपन थिंकिंग, इसलिए व्याकरण मुझे बहुत पसंद है। मैंने उपग्रह सॉरी उपसर्ग जब आपको पढ़ाया था तब भी बोला था क्या उपसर्ग के अर्थ होते हैं, तो व्याकरण टेक्स बोथ पक्ष, उसके अर्थ होते भी हैं नहीं भी होते हैं, क्योंकि ऐसी है भाषा, भंडारी का है भाई, उनकी व्याप्ति अलग होती है, उनका एक्सप्रेशन अलग होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा
इसके लिए भी वही समाधान है कि भाई व्यवस्था वॉज मेंट फॉर दिस थिंग. यस इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट जब भी तुमको एक ही क्रिया हो, एक ही, देखिए एक ही धातु, सॉरी एक ही मीनिंग में दो तीन धातु हो सकती है, ठीक है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, पर हम यहाँ एक धातु का, जैसे हमने मोद ले लिया, अभी के जमाने में वो केवल आत्मनेपदी मोद है, तो पहले जमाने में मोदती भी होता था, ठीक है, और अभी केवल मोदते हैं, ठीक है, तो ऐसे में हम क्या पाते हैं कि वो बाइफर्केशन एकदम क्लियर हो गया है, एक में कुछ सेटल हो गए हैं, एक में कुछ सेटल हो गए हैं. इट वॉज मेंट फॉर दैट बट इट वॉज नेवर फॉलोड, ठीक है, इसीलिए जब हम खादती बोलते हैं तो उसका फल सभी में होकर, मतलब कर्ता में नहीं है, सभी और में है, और खादते ऐसा कुछ होता होगा तो ब्रिंग मी ही सेट, ब्रिंग मी सच यू से, खादते आके निकालो, मुझे दिखाओ. हाँ ये रामायण में महाभारत में बहुत सारे आत्मनेपदी परस्मैपदी ओवरलैप्ड दिखते हैं, व्यास भारत में भागवत में आपको दिखेंगे, कई सारे दिखेंगे, एक नहीं दो नहीं. जैसे कांक्ष धातु का ही उदाहरण मैं प्राय देती हूँ, नकांक्षे विजयम कृष्णा, एक्चुअली कांक्ष धातु परस्मैपदी है तो उसका कांक्षामी, नकांक्षामी विजयम कृष्णा ऐसा होना चाहिए, पर वो नकांक्षे है, और कई जगह ऐसा है, कई सारे कवियों ने, प्री पाणिनीयन एंड पोस्ट पाणिनीयन ने भी इसको ओवरलैप कर दिया है बहुत सारी जगह. जैसे कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती वसते, भाई वस धातु आप चेक कीजिए धातु पाठ में, आपको परस्मैपदी मिलेगी, यानी कराग्रे वसति लक्ष्मी, ऐसा होना चाहिए था जिससे छंदोभंग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि श्लोके षष्ठम गुरुभ्येयम, श्लोक में जो षष्ठाक्षर होता है वो गुरु होना चाहिए, पर यहाँ पर आप वसति बोलेंगे तो वो अगुरु हो जाएगा, यानी लघु हो जाएगा, तो वो परंपरा से आया हुआ श्लोक है, इसीलिए वसति वसते दोनों है, तो ये थियोरी मुझे करेक्ट लगती है, ठीक है, पर वसते वहां पर हमने यूज किया तो अपने लिए वो बात करती है, ऐसा अर्थ में अगर निकालना चाहूं तो आई फेल, रूप जरूर दिख रहे हैं दोनों, एंड दैट स्कॉलर इज राइट व्हेन ही सेज दैट व्यवस्था इज मेंट टू गिव सच मीनिंग बट दे डिड नॉट फॉलो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री, पाणिनि से पहले भी नहीं, पाणिनि के बाद भी नहीं, दैट आंसर्ड ऑल माई क्वेश्चन. कैसी लगी कहानी आपको? 10 मिनट लिया मैंने आपको बताने के लिए, ऑलमोस्ट 12 मिनट्स लगे मुझे. हाँ बहुत अच्छी कहानी है, अच्छी अच्छी लगी, लगी, और शब्द आया, अच्छी हाँ समझ में भी शब्द आया. आया बोलो। अभी तक मैं काम नहीं यही जा नहीं जान. राइट, जी धन्यवाद. होता यह है कि सब लोग आपसे पूछेंगे बाद में, जब आप कहेंगे लोगों से कि हाँ मैं संस्कृत सीखा है मैंने, तो लोग पूछेंगे मैं इसका डिफरेंस बताओ, तो आपके पास समाधान नहीं होगा. अगर मैं कहानी आपको नहीं बताऊंगी, ये स्टेप्स आपको नहीं बताऊंगी, मेरे सारा रिसर्च का, मैं और मेरी एक फ्रेंड है, दोनों ने मिलकर बहुत इस पर चिंतन किया, रिसर्च किया, बुक्स पढ़े, समाधान लेने की कोशिश किया, ठीक है, तो ये सब करने के बाद मुझे इसका समाधान मिला. कई सारे लोग आज भी भ्रांत है कि भाई ये क्या है, पता है टीचर्स क्या बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली टीचर्स डोंट नो हाउ टू टीच, पता है क्या बोलते हैं, भाई ऐसा ही है, कुछ धातु ये होते हैं, कुछ धातु ऐसे लेते हैं, याद कर लो बस, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर. मैं साइकोलॉजी पढ़ रही थी तो क्लास में मैंने पूछा कि मैडम पैरासाइकोलॉजी क्या है, मैंने उसके बारे में सुना है, तो क्या बोलती है पता है, पहले ना साइकोलॉजी पढ़ लो उसके बाद पैरा वैरा सब करना, उसको पसंद नहीं है, उसको मालूम नहीं है, मेरे को पता है पैरासाइकोलॉजी क्या है क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा है, मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी है, पैरासाइकोलॉजी भी पढ़ी है. तो टीचर्स को कभी, मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी भी मैं डिस्करेज नहीं करती हूँ क्वेश्चंस के विषय में, आप पूछिए क्वेश्चंस, और मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ कि कोई आपके पास आकर पूछे कि ये क्या है, तो दो समाधान, मुझे अभी पता नहीं है मैं बता करके बताती हूँ, सेकेंड समाधान, हाँ मुझे पता है दिस इज द आंसर, ठीक है, आप ये दोनों के बीच में ये जो थर्ड ऑप्शन है ना वो मत लीजिए क्लास में, उनको ऐसे करना, उनको बेइज्जत करना, ये सब अपमानित मत कीजिए, प्रश्न को अपमानित मत कीजिए, प्रश्न उठते हैं और ये उठने का ही प्लेस है, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया और मैंने आपको ये सब समझाया, ठीक है, तो ये इसका पूरा रहस्य है.
ठीक है, तो व्यवस्था का मैंने उद्देश्य आपको बताया, वो अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो भाई ये उद्देश्य पूर्ति कहाँ हो रही है? ठीक है, कुछ जैसे हमने कहा कि कुछ धातु दोनों, मतलब पहले के जमाने में कुछ धातु, सॉरी सारे धातु ऐसे थे जो दोनों उद्देश्य से होते थे, तो उसमें हम का उभयपदी जब हम देखते हैं, ठीक है, जब हम लोग उभयपदी पदी धातुओं को जब देखते हैं तब हमें पता चलता है, जैसे हरति हरते, नयति नयते, ऐसे दोनों रूप हम देखते हैं। ठीक है, पर मैं ये नहीं कहूंगी नयते, जहां आपने देखा वहां पर आपको आत्मनेपदित्व वाला जो भाव है वो मिल गया, ऐसा मैं नहीं कह सकती, पर इसमें रूपों के हिसाब से आप ले सकते हैं बस। हाँ, जब हर हर गण में तीनों होते हैं, तो आत्मनेपदी अभी आपको क्या करना है, ठीक है, ये सब कथा मैंने आपको बताई है, तो आपका कर्तव्य क्या है, धातु पाठ खोलिए, आपको जब भी डाउट हुआ कि भाई पच धातु आपको दिखा कि उभयपदी है कि परस्मैपदी है कि आत्मनेपदी है, जरा देख तो लूं, आप देखेंगे आपको उभयपदी में वो पच धातु मिलेगी, तो आप ये मत सोचिए कि हाँ इसके तो दोनों रूप है मैं दोनों यूज करूंगी, ऐसा मत सोचिए। अभी आप जब अपनी तरफ से प्रयोग करेंगे तो आप कर्तृभिप्राय क्रिया भले होगा तो आत्मनेपदी रूप प्रयोग कीजिए, जब आपका वो नहीं होगा तो परस्मैपदी रूप प्रयोग कीजिए, ये एक आंसर है। ठीक है, इसका उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, दशम गण वाला धातु एक लेते हैं, अर्थ, अर्थ धातु से उसका प्र उपसर्ग जोड़ के प्रार्थ, बहुत ही प्रसिद्ध धातु है, आप जब यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसके दोनों पॉसिबल है, अब आप क्या करें, ते भी आता है ते भी आता है, तो जैसे एक लड़का है वो अपने लिए प्रार्थना कर रहा है भगवान को, जैसे उसे नौकरी मिले या उसे अच्छी पढ़ाई मिले या उसे अच्छी लड़की मिले, जो भी वो प्रार्थना कर रहा है उसके लिए बोलेगा प्रार्थये प्रार्थयते, तब हम बोलेंगे बालकः प्रार्थयते अपने लिए, जब वो अपने फ्रेंड के लिए कुछ मांग रहा है या अपने किसी और जन के लिए मांग रहा है तो हम बोलेंगे प्रार्थयति। ठीक है, तो हमें ये काम करना है, पर जब आप प्रार्थयते या फिर प्रार्थयति जब आप पुस्तक में देखेंगे तो उसका ये अर्थ है क्या, एक बार बस जांच लीजिए, आपको नहीं मिला तो छोड़ दीजिए, बिकॉज यू कैन नॉट प्रूव दिस, मैंने कहा ना ये अप्लाई 100% नहीं हुआ है वांग्मय में, ये भाषा में भाषा भाषियों के द्वारा 100% अप्लाई हुआ नहीं है, तो इससे आपको निकलेगा नहीं कुछ। ठीक है, तो जब आप करेंगे तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे फ्रेंड ने मुझे आंसर बताया है कि अब हम क्या करें। ठीक है, तो उभयपदी धातुओं को आप ती ते दोनों यूज कर सकते हैं, तो जब आप यूज करेंगे तो आत्मनेपदित्व परस्मैपदित्व का ध्यान रखकर आप यूज कीजिए, आपको अगर डाउट है ना क्या करूं अब मैं, तो और एवरी टाइम परस्मैपदी यूज कीजिए, आत्मनेपदी यूज मत कीजिए, तो ये आपके लिए मेरा क्लियर समाधान है, ऑलवेज परस्मैपदी, दशम गण धातुओं का आपको डाउट आता है तो एवरी टाइम यू यूज ओनली परस्मैपदी, आप अपने लिए जब यूज करेंगे तो जस्ट मतलब अपनी तरफ से जब यूज करेंगे तो केवल आप परस्मैपदी यूज कीजिए। ठीक है, बस इतना इतना कहने के बाद अब हम रूपों पर चलते हैं, आप याद कर लीजिए जब हम परस्मैपदी वाले में ती तह अंति जोड़े थे तो बस उसी तरह ये ते इते अंते करके ये होगा ते एते अंते, तो आत्मनेपद प्रत्यय प्रथम पुरुष एक द्वि और बहुवचन, तो ते माने एक प्रथम पुरुष यानी वह वह कर रहा है, एते यानी वे दोनों कर रहे हैं, अंते यानी वे अनेक कर रहे हैं, और जो भी धातु होगा हम जो भी धातु को लेंगे उसका मीनिंग जोड़ेंगे इसमें। ठीक है, तो ते बोला है लभ, लभ धातु को लेते हैं, लभ यानी पाना, ठीक है, कुछ चीज को पाना, जैसे मैंने भगवान की प्रार्थना की उनका अनुग्रह पाया तो वो पाना। ठीक है, नेक्स्ट तो उसका जब हम जोड़ते हैं तो क्या क्या गण भी तो काउंट होगा, तो हमने पहले धातु लिया उसको आत्मनेपद प्रत्यय ते जोड़ा, दोनों के बीच में क्या आया आ, तो लभ आ ते, क्योंकि लभ भ्वादि गण का है, अभी हम भ्वादि गण ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, भ्वादि गण का धातु है, वर्तमान काल अर्थ है, आत्मनेपदी का लभते। ठीक है, नेक्स्ट, एक लड़का वह पा रहा है, ठीक
बोलिए। ठीक है। ये आत्मनेय पद आपने ऐसा बताया कि जो अपने लिए मैंने कोई करता है, तो फिर जब अपने लिए ही कर रहे हैं तो फिर वो प्रथम पुरुष और वो में है, मैंने अपना नहीं कहा, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, मैं नहीं लेना उसका अपना, मतलब वो लड़का अपने लिए कर रहा है तो प्रथम अच्छा पुरुष कर्ता जो है। हाँ, अच्छा हाँ ठीक कर्ता है में निष्ठ है, कर्ता में निष्ठ, ओके वो लड़का प्रार्थना कर रहा है उसका फल उस लड़के में है, तो आप क्या यूज करेंगे, उत्तम पुरुष यूज नहीं करेंगे ना। तो हाँ हाँ ठीक है समझ में आया। लभते, वह पा रहा है, ठीक है। फिर इसी प्रकार अन्य धातु भी आप रिप्लेस कर लेंगे, रम धातु, यत धातु, मोद धातु, और भी है, मैं आपको लिस्ट दूंगी, तो उनके से रिप्लेस कर लीजिए। नेक्स्ट, इसका दो लोग कर रहे हैं, यानी दो लोग पा रहे हैं, इसके लिए हम बोलेंगे एते। मैंने कहा आपको कि आप संधियों को यहाँ अप्लाई मत कीजिए, मैंने केवल साउंड का जो साम्य है उतना ही लिया है, ताकि आपको इजी लगे, जब मैंने एते आपको समझाऊंगी तो लभेते आपके अंदर उसका उद्बोध होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार वे दोनों पा रहे हैं, उसी प्रकार वे दोनों रम रहे हैं यानी आनंदित हो रहे हैं, वे दोनों प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्न, यत, वो उसमें यत है, प्र उपसर्ग है, यत धातु है, तो यते ते, वे दोनों प्रयत्न कर रहे हैं। उसी प्रकार मोदेते, वे दोनों आनंदित हो रहे हैं, वंदेते, वे दोनों नमन कर रहे हैं, इस प्रकार, मतलब अभी वर्तमान काल का अर्थ है, वे दोनों हैं, और ये इसके द्विवचन, ठीक है, ये तीनों विषय इसमें आए। फिर आते हैं बहुवचन के प्रत्यय में, ये है अंते, ठीक है, अंते, तो ये होगा लभन्ते, ठीक है, लभते, लभेते, लभन्ते, रमते, रमेते, रमन्ते, नेक्स्ट यतते, यतेते, यतन्ते। उसी प्रकार मोदा का क्या होगा बोलिए। मोदते मोदते, बोलो बिलव हाँ बोलिए, मोदते मोदेते मोदन्ते राइट, इसी मतलब प्रकार, इसका ये मतलब हुआ कि तीनों तीन उसमें ये एक ही ते एते और अन्ते ये तीनों सभी कॉमन है ऐसा प्रथम मध्यम और मध्यम में नहीं गए अभी, हम केवल प्रथम पुरुष की बात कर रहे हैं, वह एक, वे दोनों, तीन वे अनेक, बस अच्छा ओके ओके मैंने सोचा कि वो तीनों का आपने बताया प्रथम नहीं, तीन एक रूप बताए, तीन रूप वचन नहीं बताए, द्विवचन बहुवचन के लिए अच्छा ओके हाँ वो समझ में आया प्रथम पुरुष के ही तीन वचन मैंने बताया, जो थ्री इंटू थ्री टेबल है, फर्स्ट लाइन आज बताया है। हाँ हाँ देखिए परस्मैपदी, वो ती तथा अंति से रिलेटेड जितनी बातें थी उतनी यहाँ होने वाली है, ठीक है, बस उसका एक रेप्लिका होगा। पता है इतना रोते हैं लोग आत्मनेपदी पढ़ने के लिए, मैंने प्रोफेसर तक को रोते हुए देखा है, भाई ये क्या है, पर हमारे स्टूडेंट्स ये नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे ये क्या है, कैसा ऐसा है, बस खत्म, उनके पास आंसर है। ये अभी आपके लिए ते में ती में कोई अंतर नहीं है, जहां तक वो अलग अलग ब्लॉक्स है, जैसे आत्मनेपदी के ये धातु है, परस्मैपदी के ये धातु है, तो मैं नमते यूज करूं या वंदते यूज करूं, इसका आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको जो धातु लेना है लीजिए, वो यदि आत्मनेपदी दिखा तो आप उसको ते इते अंते लगाइए, ते इते अंते, और परस्मैपदी दिखा तो ती तह अंते लगा दीजिए, पर आप ये नहीं कर सकते कि आत्मनेपदी धातु को लिया और परस्मैपदी प्रत्यय लगाया, जैसे आपने मोद लिया फिर मोदती, मोदता, मोदंती में बनाऊंगा, जय जिंदाबाद, मुर्दाबाद बोलेंगे तो कुछ नहीं चलेगा आपको, आपने मोद लिया तो आपको मोदते ही बनाना पड़ेगा, उसका अर्थ में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, बस रूप में अवश्य डिफरेंस रिटेन होगा, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। और आज हमने केवल प्रथम पुरुष के प्रत्यय ही पढ़े हैं, ओके, तो इस प्रकार, तो जस्ट कंपेयर विथ परस्मैपदी, इसमें होता है ती तह अंति, इसमें होता है ते एते अंते, पठति पठतः पठन्ति, रमते रमेते रमन्ते, वंदते वंदेते वंदन्ते, मोदते मोदेते मोदन्ते, ठीक है, ध्यायते ध्यायेते ध्यायन्ते, इस प्रकार।
फिर इसमें भी गण होने वाले हैं, गण वाइज भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये मैंने समराइज टेबल आपको करके दे दिया, जिसमें आप एक साथ सब प्रत्ययों को देख सकते हैं। इसको याद कर लीजिए। देन मैं कुछ धातुओं को आपको दे रही हूं। लभ पाना, लभते वह पाता है। यत प्रयत्न करना, यतते वह प्रयत्न करता है। रम आनंदित होना। भाष बोलना। सेव सेवा करना। लोक देखना। शंक शंका करना। लंघ लांघना। श्लाघ प्रशंसा करना। वंद नमन करना। ठीक है, अब हम सेंटेंसेस पे आते हैं। ठीक है, तो आई कॉल नेम्स, ऑर्डर बता देती हूँ। पहले नीलम भगिनी, फिर बेला भगिनी, फिर ज्योति भगिनी, फिर पूर्वज भगिनी। चलिए स्टार्ट। बालः देवं वंदते, ये आत्मनेपद है। बालः कर्ता, देवं कर्म, वंदते क्रियापद, आत्मनेपद। बालक देव को, भगवान को वंदन करता है। परस्मै पद में उसमें अलग से कैसे आएगा, वो उसका वंदन करता है के नमन भाई, नमता है, वंदता है, बस बस। वही आएगा ना। जब नॉर्मल प्लेन आत्मनेपदी परस्मैपदी के ब्लॉक्स होंगे, तो आप उसके अर्थ के विषय में कोई चिंता मत कीजिए। जैसे नहीं, आप हाँ नमन हाँ करेंगे, वैसे ही हाँ पूरा करेंगे। आप हाँ के विषय में अभी कोई आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, ओके ओके, क्योंकि मैंने उभयपदी सोच है तो स्कोप है, उभयपदी नहीं है तो हमें सोचना ही नहीं है। ठीक है, ओके मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अर्थ उसके पीछे का इसलिए बताया क्योंकि आप पूरे थ्रू आउट संस्कृत कैरियर में मैंने लोगों को तड़पते देखा। जैसे मछली को आप पानी से बाहर निकालो तो वो तड़पता है ना, प्राण के लिए, सांस के लिए, ऐसे तड़पते देखा है मैंने लोगों को। इसीलिए आई मेड इट ए पॉइंट कि मैं कहानी हर स्टूडेंट को मैं बताऊंगी, अपने हर स्टूडेंट को ये मैं सिखाऊंगी। ठीक है, और आप यहाँ करते करते मेरे को पता चल जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी बातें आपके बैठी है, कौन कौन सी नहीं बैठी है। अपनी तरफ से मैं सब बता दिया मैंने, पर आपके अंदर वो आया नहीं आया इसका एक ये रहता है। ठीक है, गुंजाइश रहती है, अभी थोड़ी गैप थोड़ा रह जाता है, तो हम उसको यहाँ पर देख लेंगे। ओके, तो बालः देवं वंदते, बालक देव को नमस्कार करता है, नमता है, बस। वो अपने लिए कर रहा है, दूसरों के लिए कर रहा है, दूसरी बात है, अब हम वो नहीं गिनेंगे। ठीक है, नेचुरली ले लीजिए, जैसे नमति आप लेते वैसे वंदते ले लीजिए, नेचुरली नॉर्मली, जैसे कोई डिफरेंस है ही नहीं अर्थ में। ठीक है, अर्थ में डिफरेंस नहीं है, रूप में डिफरेंस है, बस इतना। ठीक है, ऐसा सोचिए एक मैं ही हूं और मैंने कोई और ड्रेस पहना है, बस इतना ही, मैं नहीं चेंज हो जाऊंगी ओके ड्रेस चेंज होने से, बस वैसा। ठीक पता चला भाई। है, नेक्स्ट बेला भगिनी। छात्राः गुरोः वयं शङ्कते, शङ्कन्ते। छात्राः बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति। गुरोः वो भी बहुवचन है, नहीं, गुरु हो बहुवचन नहीं है, गुरोः द्विवचन है। नहीं मैं बता देती हूँ, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है गुरु शब्द का। अभी वो बराबर याद नहीं हुआ है। हाँ, समझ ये गए, पंचमी भी आएगी ना, पंचमी पंचमी भी आएगी पर इस संदर्भ में, इसलिए मैंने इसमें। हाँ, वही। अच्छा, तो और भयम। पंचमी आएगी गुरु, सॉरी सॉरी, पंचमी आएगी यहाँ पर, षष्ठी नहीं आएगी, पंचमी भी रूप है पर यहाँ पर पंचमी आ रहे हैं, सॉरी। गुरु का भय नहीं, गुरु से भय, क्योंकि भीषण अर्थ था ना, मैंने भी भय अर्थ में पंचमी आता है, ये बताया आपको। शंकते माने अच्छा, इसका संदेह करते हैं, मतलब उनको डाउट हो रहा है। तो छात्रों छात्रों को गुरु से भय है। भय देखिए, आप ऐसा नहीं कह सकते, आप हिंदी पर मत जाइए, छात्रों को कहाँ है यहाँ पर,
छात्रा तो छात्र अनेक छात्र, अनेक छात्रों छात्र हाँ गुरु से हाँ भय को, शंक भय को हाँ शंक शंक शंकते हैं, संदेह करते हैं, ठीक है। संदेह करते हैं। आप अच्छा संस्कृत के हिसाब से हिंदी को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। मैं हिंदी पर नहीं जाऊंगी, मैं हिंदी नहीं सिखा रही हूँ, हिंदी तो आपको आती है। जैसे उनको पता है, इसमें उन कौन है, कर्ता है कि कर्म है? उनको पता है, वो एक्चुअली करता है। हिंदी वाले ना छल रहे हैं हम सबको, मैं हिंदी पर ना पूरा केस ठोक दूंगी। को बोल रहे हैं और कर्ता बता रहे हैं, केस ठोकू मैं? तो वैसा ही है, संस्कृत में वो नहीं चलेगा, ठीक है। संस्कृत में भी विभक्ति इधर उधर होते हैं, ऐसा नहीं कह रही हूँ। जैसे मोदक मोदकम रोचते बालाया, वहां पर थोड़ा बाप रे इतना इडियोमेटिक है, वो तो बताना बहुत मुश्किल है, उधर समझाना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। पर यहाँ आप एक बात क्लियरली समझ लीजिए, जो जैसा मीनिंग आ रहा है उसमें से वो ही एक्सट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। तो छात्रा करता है तो छात्रा अनेक छात्र, चमकते हैं, संदेह करते हैं, ऐसा, ठीक है। अनेक छात्र गुरु से भय संदेह करते हैं। भय को संदेह करते हैं, ठीक है, हाँ भय को संदेह करते हैं। वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट, ज्योति भरी, वेप यानी ऐसा कंपन होना, ठीक है। भयाद वेपते चोरस्य हृदयम्। भयाद भय से नहीं, चोर का हृदय भय से कंपित हो रहा है, कांप हाँ, कंप रहा, कांप रहा है, करेक्ट रहा है। करेक्ट, गुड। हाँ, नेक्स्ट है पोंगड़ी भगिनी। सूर्य आकाशे प्रातः प्रकाशते, द सन शाइन्स इन द स्काई मॉर्निंग, द मॉर्निंग सूर्य सूर्य आकाश में प्रकाश करता है। हाँ, सुबह को, ठीक है, सुबह प्रकाश करता है, सवेरे प्रकाश करता है सूर्य का आकाश में, सूर्य का करता राइट। आकाश प्रकाशते आत्मनेपद वर्तमान काल है। धन्यवाद। काश धातु है, प्रा उपसर्ग है, ठीक है, तो उपसर्ग धातु भी इसमें आते हैं, इसलिए प्रकाशते। हाँ धन्यवाद। और एक बात मैंने यहाँ नहीं जोड़ा है कि उपसर्ग जोड़ने से कुछ धातु, पता है, दे जंप इनटू द अदर ग्रुप, पता है उनको, इतनी उत्साह आ जाता है, इतना उत्साह आता है उनको कि रम धातु है वो आत्मनेपद है, पर वी उपसर्ग आएगा ना तो वो परस्मैपद बन जाता है, तो वी रमती होगा, नॉर्मल तो रमते रमेते रमनते होगा, ऊपर रमते वगैरह में रमते होगा, पर वी जब उपसर्ग लगा देना मेरा मती हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक और पॉइंट है जो मैंने इस लेसन में नहीं जोड़ा है, ठीक है। तो वो हाँ, आत्मनेपद ही लेगा, परस्मै पद नहीं लेगा, वी नहीं वी परस्मैपद परस्मै पद ही लेगा ही लेगा, वो आत्मनेपद लेगा। को हाँ रमते बोले तो आत्मनेपद गलत नहीं है, लेगा। ऐसा भी है, ऐसा भी है। तो आपके हाँ लिए ना, जितने आपको माइंड शार्प करने के लिए जितने अंश है चाहिए उतने अंश आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, इंटरेस्टिंग होमवर्क, आपको जैसे सीरियस होमवर्क नहीं है, पर जस्ट हॉबी होमवर्क है, टाइम पास वाला। हिंदी में को के उपयोग आप देखिए, क्या को जैसे ने को से के लिए में तो बड़े ठाट से बोलते हैं कि द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। जैसे हमने कहा शाम को आना, तो वहां पर क्या शाम को कर्म है? नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार हमने कहा उसको पता है, वहां उसको, वहां पर भी वो कर्म नहीं है। तो अब को के यूसेज पर एक बार थोड़ा स्टडी करके मुझे बताइए कि को कहाँ कहाँ आता है, कौन कौन से ग्रामेटिकल कैटेगरीज को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर संस्कृत को बोलेंगे हम कि संस्कृत इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, ये वो,
आप लोग नहीं, आप लोग तो सब अच्छे विद्यार्थी है, मैं दूसरे लोगों को सुनी हूँ यार, क्या संस्कृत है, बोरिंग है क्या है, इसमें इतना सारा सीखना पड़ता है, हिंदी कितना आसान है, कितना अच्छा है। उनको ये अकल नहीं रहती है कि बचपन से सीखा है इसलिए हिंदी आती है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो ये एक हर चीज को आप एक प्रॉब्लम की, अरे बाप रे ये भी सीखना है, अरे बाप रे ये भी कॉम्प्लिकेशन है यार वो, अरे यार पढ़ता जा रहा है इतना बड़ा पहाड़, अब ऐसा सोचते रहेंगे तो जिंदगी में कुछ नहीं सीख पाएंगे। जब साइकिल चढ़ता है बच्चा पहली बार, उसको साइकिल सिखा के आप बताइए मुझे, एक दिन में सिखा लेंगे? नहीं, वो आइडिया उसको, पेडलिंग, उसका हैंडल, बैलेंस, उस पर बैठना, उसकी हाइट, फिर पेडल चलाते समय ऑन, जैसे साइकिल को समझना, उससे दोस्ती करना, कितने दिन लगते हैं। तो ये सब आप ओपननेस आपको बहुत है, ये भी एक कंडीशन है, ठीक है, मैं यहाँ पर ध्यान रखूंगा। आपको बस इतना सोचना है कि अच्छा, कुछ उपसर्ग जोड़ने पर पदी बदल देते हैं, मतलब उसका जो उपग्रह है पदा पदा बदल देते हैं, वो इतना आप ध्यान रखें, ठीक है। कौन कौन सा होगा, मेरे पास एक छोटा सा लिस्ट है, कभी देने का प्रयास करूंगी, ओके, तो वो एक आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। किसी ने इसको एग्जॉस्टिव वर्कआउट नहीं किया, पर आप धीरे धीरे वो शार्पनेस अपने अंदर पैदा करेंगे, तो वो आपका माइंड कैच करने लगेगा। जस्ट बी ओपन टू दिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले मैं बता देती हूँ स्वयं। व्याधस्य बाणे न व्याघ्रह म्रियते, म्रिय धातु मरना, हम आत्मनेपद में मरते हैं, परस्मैपदी में नहीं मरते, दूसरों के लिए नहीं मरते, हम अपने लिए मरते, ठीक है। व्याध यानी वो शिकारी, उसके व्याध के बाण के द्वारा व्याघ्रह टाइगर म्रियते मर रहा है। हरे हे उद्यमम श्लाघन्ते जनाः, जनाः श्लाघन्ते, लोग जो है प्रशंसा कर रहे हैं, क्या किसको? हरे है उद्यम, हरि के जो उद्यम है उनको, मतलब हरि नाम का कोई है जो बहुत उद्यम कर रहा है, तो उस उद्यम को, उस प्रयत्न को, उस महान प्रयत्न को लोग प्रशंसा कर रहे हैं। मोदकः बालकाय रोचते, तो ये बहुत ही इडियोमेटिक है, यहाँ चतुर्थी लगती है, जिसको अच्छा लगता है उसको हम के लिए लगाते हैं, ठीक है, तो मोदकः रोचते बालकाय रोचते। पितामहस्य कटः गृहे कुत्र वर्तते, पितामह का, पितामह यानी दादाजी, दादाजी का कट, कट यानी उनका जो पलंग है वो, गृहे कुत्र वर्तते, घर में कहाँ है, गृहे सप्तमी, ठीक है, वर्तते, वर्त वृत धातु, वर्तते वृत होना, ठीक है, रोचते रुच अच्छा लगना, ठीक है, श्लाघ प्रशंसा करना, तो बस उस पर आप समझ लीजिए। मणि परीक्षते मणिकारः, परीक्षते ईक्ष धातु है देखना, परि उपसर्ग है, तो परीक्ष धातु, फिर मणिकारः जो है वो मणि, दो मणियों को परीक्षा कर रहा है, ठीक है। जब हम बोलेंगे परीक्षा कर रहा है, तो हमारा मन ठक से मणियों की परीक्षा में चला जाएगा, इसीलिए मैं क्या क्या कही कि उस धातु को उसी में प्रयोग कीजिए, परीक्ष रहा है, परीक्ष रहा है, तो आप मणियों को परीक्ष रहा है, ऐसा आप सहज से बोल देंगे, ठीक है। थोड़ा आर्टिफिशियल हिंदी को बनाना पड़ेगा, मणिकार जो है दो मणियों को परीक्ष रहा है, परख रहा है, टेस्ट, परख रहा है, दो मणियों को परख रहा है। पुत्रस्य लाभेन मोदते जनकौ, जनकौ यानी माता और पिता दोनों को मिला के पितरौ बोलते ना, जनकौ, ऐसा, तो पुत्र के लाभ से दो माता पिता दोनों मोदेते, खुश हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं। बुधः मोक्षम लभते, जो बुद्धिमान है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। नारायणेन रामस्य स्नेहः वर्धते, यहाँ पर सहार्थक है, नारायण के साथ राम का स्नेह बढ़ रहा है, वृद्ध वर्ध, वृद्ध धातु है वर्ध, ठीक है। तो अभ्यास के प्रश्न कुछ है पर मैं नहीं पूछना चाहती, मुझे आशा है आप लोग फॉलो कर चुके होंगे, आपको चाहिए तो पूछूंगी, नहीं तो भी स्किप इट, बोलिए। मैंने नहीं रखने का सोचा था, इफ यू आर इंटरेस्टेड आई आस्क, अदरवाइज आप पूछिए तो हमको भी मालूम पड़े हमें कितना आता है।
अच्छा ठीक है, ओके लेट मी आस्क। आपको अगर टाइम का प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ, आत्मनेपद यानी क्या है? हाँ जिसका फल अपने लिए ही होता है। कर्ता में होता है, अपना मत बोलिए फिर। हाँ कर्ता में होता है, हाँ सॉरी, कर्ता में होता है। आत्मनेपद ही क्या है? उपग्रह। हाँ आत्मनेपद ही यानी वो धातु होता है, ठीक है। आत्मनेपद यानी उपग्रह होता है, आत्मनेपद ही वो धातु होता है, ठीक है। पद जी व्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? अब हाँ, अभी ये ये उपग्रह जी। हाँ, तीनों पदों के नाम बताइए। आत्मनेय पद, परस्मै पद और उभय पद। पद आत्मनेपद में गण व्यवस्था होती है, हाँ हाँ उसमें रहती है। आत्मनेपद में विकरण प्रत्यय होते हैं, हाँ वो जी भी होती है। होते हैं। और कौन से गण के सारे धातु उभयपदी हैं? दसम दसवें गण के, गण? नहीं प्रथम नहीं जी, दसवें प्रथम। दसवें गण के। टेंथ। आत्मनेपद व्यवस्था की उद्देश्य पूर्ति कहाँ होती है? उभयपदियों में, ठीक है। जैसे आत्मनेपद की व्यवस्था एक्सक्लूसिवली आपको उसका आत्मनेपदत्व उभयपदी में ही आपको दिखता है, ठीक है। ऐसा क्योंकि बाकी सब तो परस्मैपदी जैसे ही हो गए हैं ना, इसलिए आत्मनेपद का वर्तमान में बहुवचन प्रत्यय क्या है? प्रथम अंते 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 एते, ये कौन सा कुछ वचन का प्रत्यय है? कर्त द्विवचन का प्रत्यय है। अभिप्राय, आत्मनेपदी दूसरा शब्द क्रिया, क्रियाफले, क्रिया फले, फल, फले क्या फले? फले, क्रिया नहीं, फल, फले। फा फा, क्रिया फले। हाँ फले। हाँ धूर्ता असत्यम भाषन्ते, इसका एक वचन बताइए। भाषते भाषते, धूर्तः धूर्त असत्यम, धूर्त असत्यम भाषते। असत्यम, बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ हमारी कक्षा समाप्त हो जाती है। मैं थोड़ा डर रही थी पूरा कर पाऊंगी कि नहीं, आज 11 बजा दूंगी क्या सोच रही थी, पर सही ये सही हो गया है। थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए इसको एक बार से करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने ये आत्मनेय पद में इतना डर लगता था, कभी उसको सीखने की कोशिश ही नहीं की, आत्मनेय और परस्मै दो अलग करके। जी, और काफी। वो लास्ट टाइम का हरि और गुरु भी बहुत हार्ड है, उसे बहुत हाँ उसको भी अभी याद करना बाकी है। बहुत, इसलिए मैं बेला बेन को पूछ रही थी कि आपका होमवर्क हो गया, मेरा तो वो भी बाकी नहीं नहीं मैं कहीं सिंपल थिंग्स तो टफ नहीं बना रही हूँ ना, सही लाइन नहीं मैंने ही टफ पढ़ाई है थिंग्स तो को हमको इजी इजी बना है। रहे हैं, इजी बना रहे हैं। हाँ उल्टा दीपक कर रहे इन्हें हैं आप। हमारे जैसे डब्बों को भी कूट पीट के अच्छे से एकदम तैयार कर देती है। हाँ मतलब ये संस्कृत का मेरा डर अनुभव अभी कम लग है। रहा है। ओके अच्छा आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। तो फिर अभी मैं रिवीजन नहीं करूंगी, प्रश्नों में रिवीजन हो गया है ना, इसीलिए हमने आज आत्मनिपद पढ़ा है। तो ये कोई अलग नहीं है, बस इतना जब आप ऐसे बुक्स खोलेंगे ना, ब्रॉड रचनांवाद, कौमुदी इत्यादि आप जब खोलेंगे, तो मैं आपको इसमें दिखाती हूँ कि कैसे ये व्यवस्था रहती है। मैं काम करती हूँ, स्टॉप शेयर करती हूँ। हाँ आपको अभी बड़ा दिखेगा, देखिए ये स्वादी गण है, मैं स्वादी का दिखाती हूँ आपको। ये हर ये थोड़े थोड़े धातु लिख देना, तो उसके पै पै प्रथम गण तो हम लिख सकते हैं खाली। समझी नहीं, धातु हाँ वो एग्जाम्पल को उदाहरण हाँ मैंने फरस दिए हैं, आत्मा ही पढ़ धातु दिए दिए हैं। एक एक है स्लाइड है तो इसमें, हाँ एक स्लाइड है ओके ओके। इसमें, वहां पर मैंने पढ़ हाँ दी। हाँ दिए दिए दिए, वाह बराबर ज्यादा। जैसे ये उभयपदी के लेते हैं, भ्वादि गण में उभयपदी धातुओं को मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ तो ये आप यहाँ देखेंगे तो देखिए ऐसे ऐसे दिए रहते हैं, ठीक
ठीक है। आपको कोई भी जैसे अनुवाद चंद्रिका और प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी देखेंगे तो आपको ऐसे आपको दिखेंगे रूप, ठीक है, सारे लकारों के आपको ऐसा दिया रहेगा, बट आपको सारे अभी याद नहीं करने हैं, आपको केवल फर्स्ट लाइन जो 3 × 3 फर्स्ट वाले है ना, आपको वो याद करने हैं, ठीक है। तो ये कौन सा धातु दिया है, ये दिया है नी धातु, ठीक है, नी। तो इसलिए आप देखेंगे कि इसका नयति रूप भी है, नयते रूप भी है, ठीक है, नयति नयते नयंति, नयते नयते नयते, ठीक है। तो इस प्रकार दिए रहते हैं। लोग क्या करते हैं, आत्मनिर्भर को देखते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, भाई हमें नहीं पढ़ना, बाप रे ये कुछ भूत है, कुछ ये है, हॉन्टेड हाउस है, हम इसके अंदर नहीं जाते, ऐसे ही डरते हैं लोग। बिल्कुल नहीं डरना आप लोग, अर्थ के हिसाब से भी नहीं डरना और शब्द के हिसाब से, आपको कुछ सोचना ही नहीं, आत्मनिर्भर ही एक्सक्लूसिव है, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, आपको नॉर्मली प्रयोग कर डालना है, बस उसका ते अंते लगाना है, ठीक है। जहां उभयपदी है, आपको कोई भी डाउट है, आप केवल उसका परस्मैपदी रूप प्रयोग कीजिए, खत्म बात, ठीक है। ओके भगिनी, मुझे ये पूछना था कि काश जो जैसे प्रकाश, अवकाश, आकाश, तो ये काश का मीनिंग क्या होता है? काश यानी प्रकाशित होना ये वो वाला है जहां पर उपसर्ग जोड़ के भी कोई मीनिंग में चेंज नहीं होता है ना, वो है, प्र अगर जोड़ेंगे तो प्रकाश वही काश है, और काशते अवकाश में और आकाश में सब जगह वही है? नहीं, वो अलग है, 1 मिनट उसका, फिर आपने पूछा तो मैं 1 मिनट डिक्शनरी का देख के ही बताती हूँ आपको। अरे ये ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है आज, गो लाइव मैंने किया है, अरे आज का यू डू नॉट हैव परमिशन क्यों बोल रहा है, मैंने सोचा ये स्टार्ट हो गया होगा, ओफो मुझे अपलोड करना पड़ेगा। लाइव का तो आया था, तो उसमें तो गॉट इट किया था, अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ऐसा बताया था। अच्छा फिर ठीक है, मैं चेक करती हूँ, चैनल में चेक करती हूँ, नो प्रॉब्लम। रिकॉर्डिंग भी चलता है अभी हाँ भगिनी? हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग का वो चलती भी आ है, रहा है। चलती है, उसमें कोई डर नहीं है, मेरे पास वो भी रहता है, ठीक हाँ। तो काश है, काशते, तो इसका है टू शाइन, लुक ब्रिलियंट और ब्यूटीफुल, टू अपियर, टू बी विजिबल। तो जब अव जुड़ता है तो बहुत सारा चेंज हो रहा है, तो लुक लाइक, तो आवाज जोड़ के देखते हैं, काश का तो वही मीनिंग है जो मैंने बताया, पर आवाज जोड़ने पर बहुत चेंज हो रहा है, टू बी विजिबल, टू बी मैनिफेस्ट, हाँ, तो हिंदी में उसका ये चेंज हो गया, टू बी विजिबल, टू बी मैनिफेस्ट, ये मीनिंग दे रहे हैं, तो हिंदी में आकर वो अवकाश को ऐसा अवसर उसको अलग से यूज करना शुरू किया, तो इट्स मीनिंग एक्सपेंशन हुआ है, सेमांटिक चेंज हुआ है उसका शायद। अच्छा, ओके। क्योंकि काश हमेशा आता है पर काश का मीनिंग ही नहीं पता था मुझे। हाँ, सही सही, वो शाइन, टू मैनिफेस्ट, टू मेक विजिबल, वो मेरे इसका मीनिंग। ओके ओके कभी एक्सटेंड होते हैं ये, मैंने उपसर्ग का जैसे बताया, निश्चित अर्थ आपको नहीं दिखेंगे, कहीं कहीं कुछ कुछ चेंज होता रहता है, ठीक है। तो आकाश का अर्थ ऐसा लेना चाहिए, आ यानी आसमंतात काश, तो इट्स मेकिंग होल थिंग विजिबल, ऐसा है, ऐसा क्या लेंगे फिर, आकाश तो स्पेस को बोलते हैं, तो वो कैसे अप्लाई करें मुझे भी नहीं पता, कुछ कुछ शब्द फिर रूढ़ी में लेने पड़ेंगे, ठीक है। रूढ़ी अर्थ, योगार्थ, योग रूढ़ी, 3 टाइप्स के होते हैं, तो रूढ़ी में क्या है वो उसके जो कॉम्बिनेशन है उसमें से अर्थ निकला तो योगार्थ, तो ऐसा वो शब्द से अर्थ नहीं निकल रहा है, कुछ और आके उस पर बैठ गया है, तो वो रूढ़ी अर्थ, मतलब आप शब्द में से नहीं निकाल पाते हैं उसका अर्थ, ठीक है, तो वो रूढ़ी बोलेंगे हम, शायद आकाश रूढ़ी शब्द है, नहीं पता मुझे उसका जो अर्थ है वो, आई डोंट नो, हाँ, ओके okay। एनीवे ठीक है, अब क्लोज करते हैं, शुभमस्तु, मैं स्वस्ति पढ़ती हूँ, धन्यवाद भगिनी, हाँ स्वस्ति धन्यवाद पढ़ती, भगिनी। न्यायेन मार्गेण महि महिषा गोब्राह्मणेभ्यो नमः, लोका समस्ता सुखिनो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे पत्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्, सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु, अस्तु नमो नमः सभी को, नमो नमः भगिनी, धन्यवाद नमो नमः भगिनी, भगिनी, धन्यवाद धन्यवाद। भगिनी। मेरा एक प्रश्न है, हम हाँ बोलिए, लैपटॉप में संस्कृत लिखना हो या कुछ टाइप करना हो तो कैसे, मुझे
संस्कृति लैपटॉप का इतना आइडिया नहीं है, तो मुझे क्या कुछ कोर्स करना पड़ेगा या? आप एक बार मुझे व्हाट्सएप पर लिखिए, मैं उसका समाधान। जी 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 धन्यवाद।